लोग यहाँ आ गए सन कॉर्नर पानीपुरी खाने। वो अंदर गई है लेने, तो अभी आ जाएगी। एक्चुअली आज का दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक रहा, मैं क्या बताऊँ। आज सुबह मुझे कॉल आ गया था कि मैम आप ऑडिशन के लिए आ सकते हो क्या, तो मैं ऑडिशन देने चली गई और उन्होंने मुझे कहा कि ये करीना आ रही है, मैं आपको करीना से हाय करीना। पानीपुरी नहीं है अरे करीना की टाइ टाइ फिश हो गई, उसको पानीपुरी नहीं मिली, पानीपुरी बंद हो गई है। तो क्या लेकर आई हो करीना, मास्टर का अपना क्या लेकर आई? चार समोसे। अच्छा हाँ, तो मुझे कॉल आया था आज सुबह कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है लोगों के पास। आपका जैसा लुक है, रिच लुक, ऐसे मतलब ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो आप ऑडिशन के लिए आ सकती हो क्या? तो मैंने सोचा चलो चांस है, जाते हैं। तो फिर मैं करीना को अपने साथ लेकर गई ऑडिशन देने। बट वहाँ जब मैं गई और जब उन्होंने मुझे बताया रोल तो मुझे मिल रहा था, बट जो था वो मैं नहीं कर सकती थी। मैंने उनको बोला कि सॉरी मैं ये रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी बोल्ड लगा मुझे, बोल्ड रोल था वो, तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उन्हें सॉरी कह दिया और हम लोग वापस आ गए। तो जस्ट अभी हम लोग वापस ही आ रहे हैं। तो करीना का मन किया कि पानी पूरी खानी है, तो हम यहाँ पर मिली नहीं, मिली नहीं, क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो बोली नहीं नहीं बहुत दिन हो गए बाहर की नहीं खानी खाई है, तो इसको यहाँ की खानी थी, तो देखो मिली नहीं, मतलब इसका बैड लक। तो ऐसा तो मैंने जैसे दिए है ऑडिशन, अगर आप लोगों को भी जानना है कि मुंबई में कहाँ पर ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन में क्या क्या होता है, क्या क्या पूछते हैं, क्या करना पड़ता है, अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफिनेटली, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, गैरेज पे, हम लोग जा रहे हैं हमारे वर्कशॉप पे, मतलब करीना वर्कशॉप पर जाएगी और मैं घर जाऊँगी। तो यहाँ आना था तो मैंने आज सुबह से शूट भी नहीं किया। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल, मैं सोनाली। तो आज क्या हुआ, आज सुबह 11:30 मुझे एक कॉल आया कि मैम आपके लुक के लिए हमारे पास मतलब रोल है, आपका जो लुक है आप एकदम रिच लुक लगता है आपका, तो आपके लिए हमारे पास रोल है, तो आप ऑडिशन देने आएंगी क्या? तो मैंने कहा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ आपने किसके थ्रू मिला ये तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट, बट आपके पिक्स वगैरह है हमारे पास। तो मुझे लगा चलो मैं भेजती रहती हूँ बीच बीच में पिक्स जो ऑडिशन लेने वाले होते हैं उनको, तो होगा इनके पास। तो मेरी गलती क्या हुई, मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि आपके लुक के लिए हमारे पास रोल है, आपका जो लुक है एकदम रिच लुक, तो आप आएंगी क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया, तो एड्रेस था गोरेगांव का। कल फिर इनको या बेटे को लेकर जाऊंगी साथ में। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, मैं या तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं या मेरा बेटा साथ होता है, मैं अकेली कहीं नहीं जाती हूँ। मतलब कार से ही जाती हूँ, तो ऑब्वियसली या तो वो ड्राइविंग करके आते हैं या बेटा आता है। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो मैं कल आऊंगी तो चलेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आज ही आना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरी डॉटर से डिस्कस किया, तो मेरी डॉटर बोली कि नहीं मम्मा, हो सकता है आपको अच्छा चांस मिले, आप क्यों मना कर रहे हो, आप चले जाओ। तो मैंने फिर उसको बोला चले जाओ नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो फिर हमने कैब बुक कर ली और कैब करके हम लोग गोरेगांव चले गए। प्रोडक्शन हाउस का नाम था ओम साई प्रोडक्शन, तो उनके ऑफिस में मैं गई। तो फिर वहाँ पर जो पर्सन थे उनसे मैं मिली, तो इस रोल के लिए आप परफेक्ट हो, होते हैं ना नेटफ्लिक्स वगैरह की वेब सीरीज, वैसे उनके वेब सीरीज उल्लू की वेब सीरीज ऐसा कुछ उन्होंने बताया मुझे, उल्लू वेब सीरीज तो कोई सीरीज है। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि आपका रोल ऐसा ऐसा है। तो रोल सुनने के बाद फिर मैंने उनको कहा मुझे एक्टिंग का शौक है, और ऐसा नहीं कि मैं 16-18 साल की हूँ और अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं 20-22 साल के बच्चों की माँ हूँ, बट हाँ मुझे शौक है इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। ये समझ रहे हो आप, जो बोल रहे हैं वो एक एक्ट है, वो एक एक्ट करना है और एक काम है वो,
ये मैं समझ सकती हूँ, आप समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं नहीं कर सकती, सॉरी। कोई अच्छा सा रोल हो तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन ये रोल तो मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसा मैंने उनको मना किया और फिर हम लोग वापस आ गए। तो आते जाते वक्त मैं इतनी टेंस थी, मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, कभी भी नहीं। उल्टा अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर पाई हूँ, जैसे कि मैंने बताया है वीडियोस में कि मैंने अपनी एज के 35 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और कई सारे टाइटल जीते, एक्टिंग भी की। तो उनके सपोर्ट के बगैर ये तो मुमकिन ही नहीं था। तो वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं, बल्कि सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी मुझे जाना है, जब भी मैं कहूँ लेकर चलते हैं। तो एक्टिंग का कैसे है, मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने मराठी सीरियल श्रीमंत घर की घरची सुन, एकदम छोटा सा रोल था मेरा, बट फिर जो जानने वाले है वो अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ चलो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ। तो इसलिए मैं चली गई थी ऑडिशन देने। अभी शाम के 7 बजे है और देखिए अभी मैं हॉल में बैठी हूँ और ये है मेरी विंडो। मुझे कुछ लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सामने से पूरी लाइट आ रही है मेरे फेस पर। तो बस यही था आज का वीडियो। आज खास मैं घर का कुछ शूट नहीं कर पाई, जाना था तो जल्दी जल्दी घर के काम करके निकल गई बस, और जाते आते वक्त ये शूट ही नहीं किया कि कहाँ जा रहे क्यों जा रहे। लेकिन आते वक्त फिर मुझे लगा कि चलो आपको बताने में क्या हर्ज है। जब एक बार हम तो ये जो चावल आप देख रहे हैं, ये इन तो हमारा जो नेटिव प्लेस है वहाँ से मेरे देवर है, मेरे फेवरेट देवर है वो, उनका नाम श्रीकांत है, हम उन्हें आबा बुलाते हैं, उनका पेट नेम आबा है। तो उन्होंने ये भेजे है, ये घर की खेती के है, तो वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो के ज़रिए मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच डियर आबा। और चावल के साथ साथ उन्होंने घर के खेत के अनियन भी भेजे हैं, मेरे मामा मेरे मम्मा के यहाँ से भी आए थे और ये अभी मेरे देवर है, उन्होंने भेजे हैं। तो काफ़ी सारे उन्होंने प्याज भी भेजे हैं, क्योंकि कैसा है ना, घर की चीज़ आखिर घर की होती है। और नेक्स्ट जो थिंग है ये है नाचनी के पापड़, ये हमारी आंटी जी है, मेरे हस्बैंड की आंटी यानी कि मेरी आंटी रजनी काकू उनका नाम है, बहुत प्यारी है। तो मेरे कहने पर ये नागली के पापड़, हम नागली बोलते हैं वैसे आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए नाचनी के पापड़ है ये, तो मेरे कहने पर उन्होंने ये मंगवा के रखे थे। तो ये भी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, इनको आप रोस्ट करके या फ्राई कर खा सकते हो, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे होते हैं ये पापड़, खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और ये जो वेजिटेबल आप देख रहे हो, ये मेरे मम्मी उनके खेत के नहीं है, उनके खेत में नहीं आती, बट वो लोग मार्केट से खरीद कर भेजते हैं, क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं कि शहरों में बहुत महंगी होती है सब्जियां, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। तो ये मार्केट से लाई है मेरी भाभी ने। और ये जो बिस्किट है ये स्पेशल बिस्किट है, ये गेहूँ के आटे के बने बिस्किट है। मम्मी उनके घर के बाजू में ही बेकरी है, तो गेहूँ का आटा, घी, शक्कर और दूध, ये चार चीज़ें देकर ये बिस्किट बनाए जाते हैं। तो बहुत टेस्टी और हेल्दी बिस्किट है। और ये है मेरे बच्चों की फेवरेट खारी, जो हम चाय के साथ खाते हैं, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए कभी भी मेरे मायके से कोई भी आता है तो कुछ लाए ना लाए लेकिन खारी तो ज़रूर लेकर आते हैं। ये है मूँगफली, ये भी मेरे मम्मी डैडी उनके खेत की है, वैसे हम लोग इतनी मूँगफली खाते नहीं लेकिन वो लोग लेकर आए हैं, यहाँ तक कि वो लोग उनके घर का दही, दूध, घी ये भी लेकर आते हैं। ये दूध भी उनके घर का है, 3-4 लीटर दूध वो लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर का दूध बहुत पसंद है, उनको पता है, तो वो ये दूध भी लेकर आए हैं। आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी इसकी मलाई है। तो ये सब मेरे मायके और ससुराल से आई हुई चीज़ें। फ्रेश हो जाती हूँ और इवनिंग की पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मेरे टीवी सीरियल देखती हूँ, डिनर करती हूँ। तो आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।